नागपुर में नितिन जी के तत्वावधान में हमने यहाँ पर एम्स लाया। एम्स को भी करीब 200 एकड़ जमीन हमने दी, बाजू में ही एम्स है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर एम्स का निर्माण हो रहा है। ट्रिपल IIT हो, नेशनल लॉ स्कूल हो, जो शिक्षा के क्षेत्र के सर्वोत्तम और आइकॉनिक नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स को नागपुर में लाने का काम यहाँ पर हम लोगों ने किया। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग अच्छा काम करते हैं, चाहे वो सिम्बायोसिस हो या और कोई इंस्टीट्यूट हो, उसको भी प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर हुआ और नितिन जी ने उसमें पहल की। और आज नागपुर एक प्रकार से एजुकेशन का हब बना है। हम सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री वही आती है जहां मानव संसाधन होता है, और मानव संसाधन ये आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग जब तक वैश्विक स्तर का तैयार नहीं करते, आज देर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी में जब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तभी हम लोग दुनिया की इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है, नागपुर IIM ने अपने कम समय में कई मानकों को छुआ है, और आने वाले दिनों में ये एक ऐसा मैग्नेट बनेगा जो इंडस्ट्री को हम तक लाएगा और साथ साथ नागपुर को भी वैश्विक इस प्रकार की एक प्रतिमा प्रदान करेगा। और मेरा विश्वास है कि वो दिन बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगा। मैं आज के इस मौके पर हमारे सारे फैकल्टीज का, स्टूडेंट्स का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। इतना अच्छा कैंपस यहाँ पर बना है, और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस कैंपस के माध्यम से मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत नई पहल और नया नवाचार यहाँ पर किया जाएगा, और हमारे शहर के लिए, विदर्भ के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए जो बातें गौरवपूर्ण होगी, ऐसी बातें इसी कैंपस से निकलेगी। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार IIM नागपुर का बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ।